शमिता है, जिनका मुझे गेम बहुत ही डिपेंडेंट रहे। सो अगर वो इस टाइम भी अपना इस हिसाब से हौसला दिखा रहे हैं, सो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को शक रहेगा कि वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। आई गेस यहाँ पे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करे तो वही बेटर है। उम्र के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो बिल्कुल भी भरोसेमंद है। सो नुमान, वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ राहुल बोझ और आप हमारे साथ जो हैं वो उमर रियाज के सबसे बड़े कह सकते हैं कि दोस्त, भाई और उनके सपोर्ट सिस्टम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। नुमान, कैसा लग रहा है अभी इस वक्त उमर का गेम और कितने एक्साइटेड रहते हैं आप उनके हर दिन, जो जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं? राइट, आई गेस बहुत खुशी होती है, बिकॉज व्हेन वी सी हिम ऑन द स्क्रीन और जिस हिसाब से उनका ग्रोथ रहा है पूरे सीजन में अभी तक, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और वो एनीवेज फॉर एनी ब्रदर, फॉर एनी फैमिली मेंबर बहुत ही खुशी की बात है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है द वे ही इज परफॉर्मिंग एंड द वे ही इज ग्रोइंग एवरी डे। ओके, नुमान, हमने उमर के गेम को अगर आसिम से कंपेयर किया तो काफी डिफरेंट होता है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो ये बात कह के जाते हैं कि अरे आप तो आसिम की तरह ही कर रहे हैं, राइट? हमने सुना है, फराह मैम के मुंह से ये बात सुनी है हमने, काफी लोग ये बात बोलते हैं। आपको कितना डिफरेंट लग रहा है अगर बात की जाए तो? आई गेस जो फरा मैम ने कहा था वो बहुत इनिशियल डेज में था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काम्या जब आई थी तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बोला था और आप में आसिम नहीं दिखता है, और वही चीज काफी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके भी बोला है और सब लोगों ने उस चीज पे बोला है। सलमान सर ने भी उसके बाद काफी तारीफ की है, सो आई डोंट थिंक इट इज नाउ वैलिड टू से कि अब वो आसिम का वो चीज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट एनी वेज वो दिखेगा, भाई है, खून का रिश्ता है, अगर भाइयों का नहीं दिखेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी और का, नेबर का है किसी और का दिखेगा, सो दैट इज एनीवेज अ वैलिड पॉइंट, वी डोंट हैव एनी इश्यूज इन दैट। नुमान, अगर आपने नोटिस किया तो उमर अभी जो खेलने वाले हैं, इंडिविजुअल खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा, एक अलग उनका प्रदर्शन रह रहा है, बट क्या रीजन हो सकता है कि मीडिया ने उन्हें बॉटम सिक्स में डाल दिया? आई गेस इसमें स्पेसिफिक रीजन तो आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बट वहां पे बहुमत से आई गेस वो डिसीजन लिया गया था, और जैसा कि मेरे भी कुछ सोर्सेज से मेरे को पता लगा था कि वहां पे काफी देयर वाज अ कॉल फॉर हिज नेम कि वो 5-6 जो भी उस चीज पे था, बट एंड में जो डिसीजन हुआ है, जो मीडिया पर्सन ने डिसीजन लिया है उस पे आई आई रियली डोंट हैव मच क्लैरिटी कि वो किस बेसिस पे हुआ और किस ग्राउंड पे हुआ, बट दैट इज अनफेयर ऑब्वियसली। उसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं, हाँ उमर नहीं डिजर्व करते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा उसके बाद किस हिसाब से ऑडियंस का किस हिसाब से बिग बिग हैंडल्स हैव ट्वीटेड रिगार्डिंग दैट कि ये बहुत गलत था और बहुत ही अनफेयर डिसीजन था। नुमान, टॉप फाइव की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो टॉप फाइव में बने हुए हैं, जो कि मीडिया ने डिसाइड किया था, वो है तेजस्वी, करण, निशांत है, शमिता है और साथ ही साथ प्रतीक है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन कि उनमें से किस एक को नहीं होना चाहिए था, जिसकी जगह पर उमर को होना चाहिए? आई गेस शमिता है जिनका मुझे गेम बहुत ही डिपेंडेंट लगता है कि उनके काफी वहाँ पे भाई हैं और पहले राकेश थे, नेहा है, निशांत, ये सब ओटीटी से सब लोग साथ रहे हैं, सो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो आई वुड प्रेफर उमर भाई इन दैट टॉप 5 लिस्ट एंड नॉट शमिता। जी, ओके ओके, नुमान, ये कितना फेयर है कि शमिता शेट्टी, जो कि बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं उन्हें इतना सपोर्ट मिल रहा है, उनके बॉयफ्रेंड को बुला दिया जाता है, उनकी उनके भाई को बुलाया जा रहा है, उनकी फ्रेंड को बुलाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें एक हफ्ते का एक्सटेंशन भी मिला, वो बाहर आती हैं मेडिकल टर्म्स में, उन्हें प्रॉपर गेम दिखाया जाता है और फिर उसके बाद वो आकर सब पे चार्ज करती हैं, ये कितना फेयर है बाकी के कंटेंडर्स के साथ? आई गेस ये मैंने चीज ऑलरेडी हाईलाइट की है कि क्योंकि मैंने चैनल पे ये चीज देखी है, बिग बॉस पे ये चीज देखी है कि अगर आप बीच में मेडिकल रीजंस की वजह से बाहर आते हैं एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो अहेड और बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है वो सब देखने के लिए, वो सब जानने के लिए, बट स्टिल जैसे उन्होंने किया, वो उन्होंने बताया कि मैंने सब एपिसोड्स देखे हैं और मुझे सब पता है कि बाहर कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, और उसी के बाद उन्होंने वो कटघरे वाला टास्क हुआ वो मेरे को फिर नहीं लगा, जी बिकॉज कि वो बाकी कंटेस्टेंट जो सब लोग अंदर के लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता है, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग जो सपोर्ट करना चाहिए था, दैट इज ऑब्वियसली अनफेयर, तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा, फिर मैं बोल्ड करके नहीं बोलूंगा कि वो डिसीजन चैनल का है वो सब, दैट वाज अनफेयर मूव बेसिकली। नमन, हमने देखा है बिग बॉस में जब वो आए, एंट्री करी उन्होंने,
अभी सभा की भी कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी कहीं ना कहीं कि सभा खान उनकी गर्लफ्रेंड है और उन्होंने बाहर से उनके लिए गाना बना दिया है, दोनों ने पहले म्यूजिक वीडियो में काम किया है. व्हाट इज योर थिंग, बिकॉज आप उमर के साथ हैं, आप उमर के अच्छे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि वेदर दे आर डेटिंग और नॉट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और उमर भाई मोर देन अ ब्रदर, हम यू नो बेटर फ्रेंड्स हैं. जैसे आपने बोला हम ज्यादा फ्रेंड की तरह रहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं पहला वो इंसान था जिसको ये बात पता होती, बट ऐसा कुछ है नहीं. दे आर यू नो गुड फ्रेंड्स, गुड कलीग्स आई वुड से, क्योंकि उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो साथ किया है. तो सभा ने आई गेस वो सपोर्ट में फॉर अ फ्रेंड फॉर अ कलीग वो वीडियो अपलोड किया है, वैसा कुछ किया होगा उसमें. आई डिडंट फाइंड एनी लूपहोल और एनीथिंग इन दैट. वो उनका एक तरीका था सपोर्ट करने का, हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है सपोर्ट करने का. सो अगर उनको उस हिसाब से सपोर्ट करना है तो यू नो वी आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी. बट वो फ्रेंड्स और कलीग ही हैं, उसमें कोई रिलेशनशिप और वो चीज वाला अभी ऐसा कुछ है नहीं. ओके ओके कूल. अभी जब उमर को टॉप सिक्स में, टॉप फाइव में नहीं इंक्लूड किया गया, तो मिस्टर रियाज अहमद चौधरी जो ऑफकोर्स पिताजी हैं उनके, तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था जो कि वोटिंग को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाए. उन्होंने ट्वीट किया अंकल जी ने, और उन्होंने ये बात बोली है कि मीडिया के द्वारा सिलेक्ट किया जाना और कहीं ना कहीं ये वोटिंग को पीछे करना है, इन्फ्लुएंस करना है. तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके का यू नो एक एक्शन लिया गया जिससे कि उमर जो कि इतना अच्छा खेल रहा है, इंडिविजुअल खेल रहा है काफी, फिर भी उसको पीछे रख दिया? जो मीडिया पर्सनालिटीज अंदर गए थे और उन्होंने जिस हिसाब से वो डिसीजन लिया और वो बहुमत पे था, सो आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट मीडिया बिकॉज यू नो वो जिस हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने जिस हिसाब से वहाँ पे सवाल पूछे और वो नो जो भी जवाब थे जैसे भी थे, सो आई रियली लाइक द होल थिंग. अब वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया है, आई कैन नॉट गो अहेड एंड यू नो कमेंट ऑन दैट कि हाँ ये उन्होंने अनफेयर किया या फेयर किया. बट आई गेस मैंने जो मेरे को थोड़ा सा यू नो पता लगा है कि वहाँ पे काफी रिफ्ट था कि इट शुड हैव बीन उमर इन टॉप फाइव और नॉट निशांत और समवन एल्स, ऐसे भी कुछ नाम या फिर ऐसे कुछ चीजें मैंने भी सुनी है. सो अभी आई वुड एनीवेज गो अहेड एंड यू नो रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ऑफ मीडिया, बिकॉज मीडिया यू नो इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. तो उसमें उनको क्वेश्चन करना है उनके अगेंस्ट इसमें बोलने की कुछ पॉइंट है नहीं मेरे पास. बट अब वो अनफेयर किस हिसाब से है, आप भी जैसे बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि उन्होंने ट्वीट किया था, तो अनफेयर इस हिसाब से है बिकॉज अगर आप देखो कि हर जगह ट्रेंडिंग या आप हर जगह ये चीज नोटिस करो कि कौन हर एक रेटिंग में ट्विटर पे ट्रेंड्स में जो भी कॉन्टेस्ट रहते हैं उस पर कौन यू नो जीतता है, टॉप पे रहता है, सो दैट इज उमर रियाज. सो अगर हमारे को उस डेटा पे बात करनी है तो डेटा कोई यू नो चेंज नहीं कर सकता और वो गलत नहीं कर सकता. उसमें चाहे हो हाईएस्ट ट्रेंडेड कंटेस्टेंट दिस सीजन या फिर हो और मैक्स की कोई रेटिंग्स आप देख लो, बिकॉज ही वाज द ओनली नॉन सेलेब कंटेस्टेंट जो इस सीजन में आए थे. रेस्ट यू नो दे वर वेरी बिग नेम्स, काली करण कुंद्रा, तेजस्वी, शमिता शेट्टी, दे वर वेरी बिग नेम्स, बट ही हैज क्रिएटेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड यू नो आई बिलीव द फैन फॉलोइंग दैट इज ग्रोइंग एवरी डे. I can see that very closely because I'm handling the handles and all. So I see how good response and how positive response I'm getting every day. So वो बहुत null and void रहता है. अभी जिस हिसाब से अभी मैं live feed देख रहा था कुछ time पहले और मैं देख रहा था कुछ task चल रहा था और वो बहुत you know funny सा task चल रहा था जहाँ पे he was giving his 200% and I guess that was regarding the nominations itself. So अगर वो इस time भी अपना इस हिसाब से हौसला दिखा रहे हैं, so मुझे नहीं लगता है कि you know इसमें किसी को शक रहेगा कि वो deserve करते हैं या नहीं करते हैं. नमन, आसिम के बाद अब उमर रियाज खेल रहे हैं. अगर आप आसिम से बातचीत करते होंगे तो डेफिनेटली गेम के बारे में डिस्कशन होता होगा, डेफिनेटली होता होगा कि कैसा जा रहा है उमर, सही जा रहा है या नहीं. आसिम की क्या टिप्पणी है आपको, मतलब बातचीत में आसिम ने क्या बात बोली है कि उन्हें कैसा लग रहा है भाई का गेम? आसिम को बहुत अच्छा लग रहा है. आसिम पहले जब स्टार्टिंग में हमने जब उमर भाई का स्टार्ट हुआ था तो हमें लगा यू नो कि वो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने सब चीजें समझी, ही अंडरस्टूड द होल हाउस, ही अंडरस्टूड द अदर कंटेस्टेंट्स, उन्होंने देखा कि किस हिसाब से यहाँ पे सब लोग सोचते हैं, बात करते हैं, कैसे रहते हैं. उसके बाद उन्होंने अपने रिलेशंस बनाए, उनका वो सब यू नो जैसे घर पे रहना चाहिए, एक रिलेशन भी होना चाहिए, अपना टास्क में भी 100% देना है, हर चीज में हर डिपार्टमेंट यू नो वो योगदान दिया. सो आसिम को भी वो बहुत पसंद आई और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखना, पहले वो थोड़ा ऐसे कर रहे थे कि पहले वो यू नो थोड़ा सा टाइम दे रहे थे, किसी को उतना अपफ्रंट नहीं बोल रहे थे, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्सिटी यू नो फैक्टर रह जाता है कि एवरीवन इज अ सेलेब, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कभी कभी कोई इतना स्टार्टिंग में नहीं. बट जब उन्होंने देखा कि अनफेयर हो रही है चीजें और मेरे को यहाँ पे यू नो बोलना है तो मैं बोलूंगा, और एंड ही इज अ गाय हु विल नेवर बैक ऑफ, यू नो जहाँ पे उनको कुछ बोलना और वो चीज पे जवाब नहीं देंगे, तो वो वैसा कभी करते नहीं है. उन्होंने उस चीज पे स्टैंड लिया है और आज आप देख रहे हो
फ्रॉम द लास्ट 4 or 5 weeks किस हिसाब से उनका एक ग्राफ रहा है जो ग्रोथ का ही रहा है एंड इट इज यू नो ट्रिमेंडसली ग्रोइंग एवरी डे. तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा यानी कि तेजन जो कि कहीं ना कहीं उमर को लेट डाउन भी किया है उन्होंने, हमने देखा भी, मीडिया ने भी ये बातें बोली और प्लस तेजस्वी ने भी बोला था कि उमर बहुत ज्यादा इमोशनल वीक है. तो आपको क्या लगता है कि क्या तेजरन पर ट्रस्ट करना चाहिए उमर को? आई गेस यहाँ पे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करे तो वही बेटर है. जहाँ पे तेजस्वी ने ये कहा था कि यू नो कि वो बहुत इमोशनली वीक है, बट उस चीज पे मैंने एक चीज सोची थी बिकॉज ही बीइंग अ डॉक्टर उनसे हॉस्पिटल वगैरह भी जाता था और मैं सब देखता था उनका काम करने का तरीका. तो आई गेस दे कैन नॉट बी एनीवन यू नो मोर इमोशनली एंड यू नो स्टेबल देन हिम बिकॉज वो हर दिन लाइफ एंड डेथ देखते हैं. वो हर दिन कितनी चीज कितने लोगों को रोते हुए और कितने लोगों को इमोशंस के साथ उनका जो भी रहता है हॉस्पिटल में और वो सब चीजें देखते हैं. सो आई डोंट थिंक वो वैसा था और सेम आंसर उन्होंने उसको दिया और बहुत अच्छे से आंसर दिया तेजस्वी को कि मेरे को आज के बाद ये चीज नहीं बोलना क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रांग हूँ इमोशनली बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन ऑल्सो और मैं यू नो वैसे ही ग्रो हुआ अपनी लाइफ में फ्रॉम द लास्ट 10-11 ईयर्स जब मैंने MBBS किया वो सब. सो वो बहुत क्लियर सा आंसर मिला था. और भरोसा करने की बात अगर आप बोलो तो फ्रेंड्स देखो आप बाहर भी लाइफ में फ्रेंड्स होंगे आपको लाइफ में फ्रेंड्स होंगे राइट. अब करण ने जो गधे वाली बात बोली थी जो वो बात हुई थी आई गेस वो क्लैरिफाई करण ने करने का ट्राई किया उस टाइम जब बोली थी मेरे को भी वो गलत लगी थी. बट आई गेस जब वहाँ फ्रेंडशिप में अगर वो आगे जाके बिट्रेयल की तरह नहीं दिखते हैं करण उनके लिए सो आई डोंट थिंक बिकॉज फ्रेंड्स में ऊपर नीचे भी चलता है कभी आगे पीछे भी चलता है पर वो रिमार्क बहुत गलत था चाहे वो फ्रेंड हो या एनिमो आप नहीं दे सकते हो. एंड आई गेस उमर भाई ने वो क्लैरिफाई भी किया करण के साथ कि यू नो कि जो भी है मैं भी तेरे बारे में ऐसा बोल सकता हूँ तू भी बहुत गलतियां करता है बट मैंने कभी नहीं बोला. तो वो चीज पे बहुत क्लैरिटी से डिस्कशन हुआ एंड ही टोल्ड वेरी क्लियरली कि यू नो अभी दोस्ती पे वो चीज का इम्पैक्ट नहीं आएगा बट हाँ आई एम हर्ट और दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी हर कोई हर्ट हो जाएगा किसी को पता लगेगा अपने दोस्त के बारे में राइट. ओके ओके प्रतीक के साथ उमर का काफी ज्यादा 36 का आंकड़ा बन जाता है. हमने कल के एपिसोड में भी देखा था कि राजीव को सपोर्ट करने के लिए उमर इस तरीके से कूद पड़ा और वहीं राजीव जो है पलटते हुए नजर आए कि उमर ने वर्ड्स जो है बुली वर्ड जो है मेरे मुंह में ठूसा और कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर रहा था. आपको क्या लगता है कि प्रतीक के साथ जो झगड़ा था वो अननेसेसरी का था या फिर राजीव ने आग लगाई और उसके बाद वो पीछे हट गया? आई गेस राजीव को लास्ट वीकेंड के बाद पे सलमान सर ने बहुत क्लियरली बोला था कि आपको अपने लिए यू नो ज्यादा वोकल भी होना है और इस हिसाब से आपको बात भी रखनी है. तो वहां पे उमर भाई ने जब देखा कि राजीव को बार बार पोक किया जा रहा है और वो चीजें बोल रहे हैं और वो यू नो थोड़ा रिस्पेक्ट के एलिमेंट में नहीं हो रहा है तो उन्होंने उसको पूछा कि अगर तेरे को ये चीज सही लग रही है तो प्लीज गो अहेड और नहीं लग रही है तो तेरे को अपना वॉइस रेज करना है वहां पे. उसने वही किया तो उसके बाद राजीव क्यों बैक ऑफ कर दिया मेरे को वो समझ नहीं आई बिकॉज आई डोंट नो अब वो किस किस सेंस में उन्होंने बैक ऑफ किया बट वो गलत था ऑब्वियसली बिकॉज उमर वॉज देयर जस्ट फॉर हिम ही वॉज टेकिंग हिज स्टैंड सो वो ऑब्वियसली वो गलत ही था राजीव की तरफ से. ओके ओके अगर बात करें तो प्रतीक और उमर की बहुत लड़ाई होती है जमती है दोस्त भी बनते हैं तो प्रतीक क्या भरोसेमंद व्यक्ति है मतलब उमर के लिए? आई गेस गेम को लेकर उमर के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो बिल्कुल भी भरोसेमंद है बिकॉज प्रतीक का मैंने फर्स्ट डे से देखा है उनकी लॉयल्टी निशांत के साथ रही है और निशांत की लॉयल्टी भी उनके साथ मोर और लेस रही रही है. सो उमर के लिए आई डोंट थिंक ही इज यू नो भरोसेमंद एज ऑफ नाउ. ओके ओके अभी इस वक्त ऐसा कौन सा कंटेंडर है जिससे उमर को थोड़ा सा बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं दोस्त भी बन रहा है और पीछे वार करने के लिए भी रेडी है? आई गेस कोई कंटेस्टेंट ऐसा नहीं उनको अपने गेम पे ये प्रायोरिटीज खुद से सेट करनी पड़ेंगी कि यू नो जिस हिसाब से वो करण की उनको बात पता लगी तो उनको हर्ट हुआ तो उनको उस लेवल पे किसी को ले जाना ही नहीं है आगे जाके कि यू नो कोई आपको हर्ट कर सके इमोशनली भी और मेंटली भी वो आप वहाँ पे स्टेबल ना रहो. सो अपनी गेम जितनी बेटर कर सके जिस हिसाब से वो कर रहे हैं और जितना यू नो इम्प्रूवमेंट हमने देखा है अगर वो और ज्यादा उससे ज्यादा उसमें बढ़ सके और उससे ज्यादा अच्छा कर सके. सो आई डोंट थिंक कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा घर पे उससे बिल्कुल भी फर्क पड़ेगा. तो सबसे पहले नेहा नेहा एंड यू हैव वेरी लेस टाइम नेहा आई वुड से अननेसेसरी पोकिंग. ओके शमिता बोथ वेल अनरियलिस्टिक बॉसी दैट्स नॉट रियलिस्टिक व्हाट शी डज. ओके विशाल
विशाल इज डम. ओके निशांत क्लेवर. ओके प्रतीक वेरी चाइल्डिश आई वुड से. सिम्बा नॉन एग्जिस्टेंट. ओके तेजस्वी स्वीट. करण कंफ्यूज एज ऑफ नाउ. ओके जय जय भानुशाली. लॉस्ट. ओके ओके एक लास्ट सवाल जो जानना चाहता हूं मैं, जो कि जनता भी कहती है कि उम्र के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ भेदभाव होता है बिग बॉस के घर में. पहले उसके फुटेजेस काटे जाते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर जगह नहीं दी जाती, फिर उसके बाद अगर बात करें तो उसे जो है वो जो पानी वाला मुद्दा हुआ था जिसमें उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, उस पर वीगन के बारे में बात नहीं की जाती. सो आपका क्या एक थॉट है इसके प्रति? क्या आपको लगता है कि उम्र को वो प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है जिसके लिए वो हकदार है या फिर जिसके लिए कह सकते हैं वो डिजर्विंग वन है? ओके सो ऑन दिस आई वुड लाइक टू से कि जब स्टार्टिंग में काम दिखाया जा रहा था या कुछ था, आई गेस जगह किसी को देता नहीं है, कोई जगह कोई अपनी बनाता है. और आज जिस हिसाब से उमर भाई ने अपनी जगह बनाई है तो कई यू नो अगर वो कंटेंट दे रहे हैं उस हिसाब से एंटरटेन कर रहे हैं तो वो दिखाना ही पड़ेगा. तो ऐसा नहीं होगा कि यू नो कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और चैनल को जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा. जब वो कुछ कर रहे हैं तो दिखाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑडियंस जो जनता देख रही है वो भी कॉन्टेंट देखती है, वो भी देखती है कि कौन ज्यादा एंटरटेनिंग है, वो भी देखते हैं कि कौन शो में यू नो ज्यादा टीआरपी ला सकता है. तो वो चीज उनको दिखानी पड़ेगी. अब वो विद टाइम कभी ऐसा होता है कि यू नो सीजन के स्टार्ट में अगर आप किसी भी सीजन को उठा लो तो कुछ कंटेस्टेंट स्टार्टिंग में हाईलाइट होते हैं, फिर आधी जर्नी में कुछ और होते हैं, फिर ऐसे ऐसे ग्रो होता है सिस्टम. सो वैसे ये जर्नी भी ग्रो हुई है और आज जिस लेवल पे उमर भाई पहुंच गए ऑलमोस्ट यू नो अभी आधी जैसे जर्नी हो चुकी है. सो आई डोंट हैव नो रिग्रेट्स कि स्टार्टिंग में दिखाया गया नहीं दिखाया गया बिकॉज मेकर्स अब वो बहुत समझदार है, हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो इतने सीजन चला चुके हैं और वो यू नो इस लेवल पे आज बिग बॉस है कि वो नंबर वन टीआरपी शो है हमारे इंडियन टेलीविजन का. तो वहां पे उन्होंने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा और उस पे कोई मैं नहीं होता हूँ रेस करने वाला क्वेश्चंस या हम कोई वॉइस रेस करने वाले नहीं होते हैं. बट आज मुझे बहुत खुशी है और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है इस चीज की, मैंने कभी वॉइस रेस नहीं की बिकॉज जरूरत नहीं थी क्योंकि आज इस लेवल पे है आई एम मोर देन हैप्पी और मैं देख रहा हूँ कि इट इज जस्ट उमर उमर एंड उमर. सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट. ओके थैंक यू सो मच नोमान, थैंक यू सो मच हमें इतना टाइम देने के लिए और हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए. हमारी बेस्ट विशेज है उमर रियाज के लिए और उमर रियाज इसी तरीके से खेलता रहे हम यही चाहते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच राहुल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय.